नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी फटी एड़ियों को ठीक करने के कुछ आसान व असरदार घरेलू उपचार। लेकिन यह वीडियो देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, एड़ियां जब भी फटती हैं, तब उनके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, जैसे नंगे पांव टहलना या फिर पांव का हमेशा धूल मिट्टी में रहना। फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए आप रात में कुछ उपचार कर सकते हैं। इन उपचारों के लिए आप घर में रखी कुछ सामग्रियों को भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में। नंबर एक, नींबू। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए गर्म पानी लें और इसमें नींबू का रस मिलाएं। अब पैरों को 10 से 15 मिनट तक उसमें डुबाएं। फिर प्यूमिक स्टोन से एड़ी को साफ करें। फिर पैरों को धोएं और तौलिए से पोंछ लें। नंबर दो, वनस्पति तेल। जैतून, नारियल, तिल, आप किसी भी तरह का वनस्पति तेल लेकर सोने से पहले एड़ियों में मसाज कर सकते हैं। सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में भिगो कर रखें और बाद में उसे स्क्रब करके सुखा लें। उसके बाद वनस्पति तेल को एड़ी और तलवों पर लगाएं, मोजे पहने और सो जाएं। नंबर तीन, फ्रूट मास्क। केला, पाइन एप्पल, एवोकाडो, पपीता आदि आपकी फटी एड़ियों को ठीक कर सकते हैं। फ्रूट मास्क बनाने के लिए केला, आधा एवोकाडो और नारियल का फ्रेश पल्प लें। सबसे पहले केला और एवोकाडो को अच्छी तरह से मैश करें और फिर उसमें नारियल का पल्प मिक्स करें। फिर फ्रूट मास्क को एड़ियों पर लगाएं और 15 मिनट के बाद पैर धो लें। ऐसा रोज करने से पैर सुंदर बन जाते हैं। नंबर चार, चावल का आटा। मुट्ठी भर चावल का आटा लें, उसमें शहद और एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं। इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएं। अगर एड़ियों पर बहुत ज्यादा क्रैक है तो आप पैक में ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। इस पैक को पैरों पर लगाने से पहले पैरों को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में डालें, फिर हल्के हाथों से स्क्रब करके इस पेस्ट को लगाएं। ऐसा हमेशा करें जब तक कि एड़ियां ठीक ना होने लगे। नंबर पाँच, नीम। जब नीम की पत्तियों को हल्दी के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है तो उसमें एंटी बैक्टीरियल गुण आ जाते हैं। इस पेस्ट को एड़ियों पर लगाकर एक घंटा रखें और फिर पानी से धो लें। नंबर छह, रोज वाटर और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन और रोज वाटर को एक मात्रा में लेकर पेस्ट बनाएं। सोने से पहले इसे एड़ियों पर लगाएं और डिफरेंस देखें। ग्लिसरीन आपकी एड़ियों को मुलायम कर देगी। तो दोस्तों, ये थे फटी एड़ियों को कोमल और सुंदर बनाने के कुछ आसान व घरेलू उपचार। आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।